नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को तिरुपति लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल के मामले में की जांच के लिए विशेष जांच दल का प्रमुख नियुक्त किया। विशाखा रेंज के डीआईजी गोपीनाथ कडप्पा, एसपी हर्षवर्धन के अलावा एसआईटी में डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत अन्य सहयोगी कर्मी भी होंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की थी। तिरुपति में लड्डू विवाद जारी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान लड्डू में पशु वसा की मिलावट के आरोप के बाद जगनमोहन रेड्डी आज तिरुपति का दौरा करेंगे। जगनमोहन रेड्डी के तिरुमाला दौरे के मद्देनजर राज्य में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए। जगनमोहन रेड्डी कल तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने भी जाएंगे। एनआईए जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापे मार रही है। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर के रियासी बस हमले से जुड़े मामले में 7 स्थानों पर तलाशी ले रही है। जिन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है वो हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़े हैं। एनआईए की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के रियासी में 9 जून को बस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में हो रही है। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी, जिसमें एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस चरण में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू के कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो जम्मू कश्मीर में अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी सांबा जिले के रामगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू के छंब में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू के उधमपुर, विजयपुर और जम्मू उत्तर के निर्वाचन क्षेत्रों में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। 5 अक्टूबर को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। हरियाणा में भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान आज गृहमंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह आज 3 रैलियों के जरिए पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज हरियाणा के रेवाड़ी, मुलाड़ा और लाडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अपनी पार्टी से नाराज चल रही कांग्रेस सांसद शैलजा कुमारी हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में उतर रही हैं। कुमारी शैलजा आज हरियाणा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस के साथ बसपा भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती आज फरीदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के राज्य दौरे पर मुंबई पहुंचा। मुंबई में कई राजनीतिक दलों और विभागीय अधिकारियों के साथ आज बैठक करनी है। एमयूडीए घोटाले विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी सामान्य सहमति वापस ले ली है। राज्य सरकार के इस फैसले पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है। इस्तीफा देने के बजाय मुख्यमंत्री अहंकार दिखा रहे हैं। को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने पर कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी कई बार सीबीआई बिना अनुमति की जांच के लिए आई है, जो कि सही नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद आज दोपहर 1 बजे दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के रिक्त पद पर चुनाव होगा। मेयर शैली ओबेरॉय ने उपराज्यपाल के आदेश को अवैध बताते हुए कहा कि हाउस की बैठक में उपराज्यपाल का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हरियाणा में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह व उनके बेटे अक्षत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करीब 45 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था, इसी आधार पर कार्रवाई हुई है। इसमें गुरुग्राम के कोवन रेजिडेंसी में 31 फ्लैट और हरसरू गांव के 2.25 एकड़ जमीन शामिल है। ये संपत्तियां रावदान सिंह और उनके बेटे के नाम से जुड़ी हैं। बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई पिटाई को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे ही राज्य सरकार को जानकारी मिली उस पर पुलिस मुख्यालय ने त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि देश सबका है और सबको देश के किसी भी कोने में काम करने का अधिकार है। वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को बिहार में भी नौकरी करने का अधिकार है। साथ ही कहा कि जो लोग भाषाई या क्षेत्रीय भावनाएं भड़काते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड की जानकारी उजागर करने वाली कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इसको गैर संचारी बीमारी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया। सभी राज्यों से भी इन दिशा निर्देशों को लागू करने का आग्रह किया गया। आमतौर पर लीवर की बीमारी को शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस समय नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सबसे बड़ी समस्या बन गया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस त्योहारी सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए हैं। आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में गंगा घाटों पर भी सफाई का काम चल रहा है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का 5वां संस्करण कल समाप्त हो गया है। युद्ध अभ्यास 2 सप्ताह तक चला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश को सबसे आगे होने पर बधाई दी है। भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्य भर में 26.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश इस अभियान में सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया। स्टारमर ने कहा कि परिषद को ज्यादा प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए जिससे ये कमजोर और जरूरतमंद देशों की आवाज को बेहतर तरीके से सुन सके। इसके साथ ही पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने भारत और ब्राजील को स्थायी सीट देने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनिता ओडोवेस्कु से मुलाकात के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों में हो रही प्रगति पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत की तरफ से सभा को संबोधित किया। तन्मय लाल ने परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने संबंधी नीति का सख्ती से पालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आइजोल में सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 3 के 21वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 1 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन के जरिए न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम पर्यटन और शांति है। इस थीम का उद्देश्य है कि पर्यटन समुदायों को
सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, समावेश को बढ़ावा दे सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। पर्यटन मंत्रालय आज नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस 2024 मना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पूरे देश में 17 सितंबर से मनाया जा रहा स्वच्छता ही सेवा अभियान। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गंदगी वाले विभिन्न ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत लोगों को स्वच्छता और कचरे के निस्तारण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निगम अल्मोड़ा की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जयपुर में स्वच्छता कर्मचारियों ने कहा कि मोदी सरकार ने सीवर की सफाई में जो सुविधाएं दी हैं उनसे उन्हें बहुत आसानी हुई है। इससे पहले सफाई के लिए सीवर में उतरना पड़ता था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीट क्राइम ब्रांच और वृंदावन पुलिस ने 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त को महाराष्ट्र ले जाया गया है। और एक्सप्रेस लिमिटेड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ और को भी सिखाओ। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक है, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 85,800 के पार और निफ्टी 26,200 के पार कारोबार करता नजर आया। अप्रैल जून तिमाही में भारत सबसे तेज रफ्तार विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी। इस तिमाही के दौरान भारत का विकास दर 6.7% रहा। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि अर्थव्यवस्था में निवेश की गति बढ़ी और FDI निवेश में भी बढ़ोतरी हुई। पहले तिमाही में EPFO के आंकड़ों में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगाई पर लगाम लगी और अगस्त में महंगाई दर 3.7% दर्ज की गई। अप्रैल से जुलाई के बीच में औद्योगिक उत्पादन 5.2% बढ़ा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI में वृद्धि देखने को मिली। आगामी तिमाहियों में विकास की रफ्तार पर मानसून का असर भी देखने को मिल सकता है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्तर पर देश की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है, तो वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अमेजॉन ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और सुश्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एनसीएस पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है। अमेजॉन एनसीएस पोर्टल पर रोजगार संबंधित रिक्तियों को पोस्ट करेगा और इसके माध्यम से भर्ती करेगा। श्रमिकों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की। इससे भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, निगरानी और रखवाली, झाड़ू लगाने, सफाई, हाउस कीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। इस संशोधन के बाद क्षेत्र ए में लगे अकुशल मजदूरों, जिसमें झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग एवं अनलोडिंग जैसे अकुशल कार्यों में लगे श्रमिकों शामिल हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन होगी। वहीं अर्ध कुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन और कुशल लिपिक और बिना हथियार वाले निगरानी गार्ड के लिए 994 रुपये प्रतिदिन देने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर ब्राजील के राजदूत भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आने वाले भविष्य बायोफ्यूल का है और भारत शुगर और बायो एनर्जी में नंबर वन की तरफ बढ़ रहा है और अब अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जैसे जिलों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए मोहन यादव सरकार आज चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के सागर में करने जा रही है। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3500 से ज्यादा प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें 6 देशों में मंगोलिया, थाईलैंड, केन्या, अल्जीरिया, कनाडा और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल, प्रतिनिधि, विदेशी राजनयिक मिशन, 150 विशिष्ट अतिथि, 700 से ज्यादा विशेष आमंत्रित सदस्य और 1000 MSME प्रतिभागी शामिल होंगे। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और बेटे आकाश अंबानी को हुरुन इंडिया अंडर 35 लिस्ट में शामिल किया गया। हुरुन इंडिया ने इस लिस्ट को जारी करते हुए कहा, 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 में 35 साल से कम आयु के 150 उत्कृष्ट उद्यमियों को शामिल किया गया है, जिनमें फर्स्ट जनरेशन के लिए कम से कम $50 मिलियन और नेक्स्ट जनरेशन के लिए $100 मिलियन के बिजनेस वैल्यूएशन वाले एंटरप्रेन्योर्स को मान्यता दी गई है। एनारॉक की जारी रिपोर्ट में कहा गया कि शीर्ष 7 शहरों में कीमतों में 23% की तेजी से जुलाई सितंबर में मकानों की बिक्री 11% घट गई है, साथ ही नए लॉन्च भी कम हो गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस जियो इंफोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी बायकॉम 18 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ताइवानी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ धोलेरा में विनिर्माण इकाई लगाने में मदद करेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम वैश्विक ग्राहकों की सेवा करने के लिए बढ़ते सेमीकंडक्टर बाजार में अहम भूमिका निभा सकेंगे। इस समझौते पर 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्ला कमांडर मारा गया है। इसराइली रक्षा बलों ने बैरूत में एक हवाई हमले में संगठन के एरियल कमांड मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने की घोषणा की है। IDF ने कहा कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में 21 दिन के युद्ध विराम का भी आह्वान किया है। जहां एक और गजा के कई इलाकों में हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी है, तो वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला भी इजरायली हमलों की मार झेल रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को लगातार निशाना बनाकर हमले कर रही है। अमेरिका सहित कई देशों ने इसराइल से हिजबुल्ला के खिलाफ 21 दिन के युद्ध विराम की मांग की थी, जिसे इसराइल ने खारिज कर दिया है। दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा इसराइल भी मिसाइल हमलों से अछूता नहीं रहा है। राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बात की, जहां जेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र के बड़े हिस्से को छोड़ने के प्रस्ताव शांति के नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के हैं। L69 समूह के देशों के विदेश मंत्रियों के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान बैठक हुई। भविष्य के शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में AU समिति के नेताओं ने सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इस वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेही बनाने की तत्काल आवश्यकता को दोहराया और माना कि भविष्य के शिखर सम्मेलन ने सुरक्षा परिषद सुधार के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का अवसर प्रदान किया है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रोक एक्सप्रेस 100 का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस संबंध में बताया कि बैठक के दौरान बहुध्रुवीयता और वैश्विक विविधता के बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हुई। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को हटाने व सभी मतभेदों को मिटाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर भारत पहले गेंदबाजी कर रहा है। टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम को सम्मानित किया। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर वतन लौटे खिलाड़ियों को बधाई दी है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल मंत्रालय की तरफ से 45वें शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के हर एक सदस्य को पुरस्कार राशि दी। 45वें शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली वंतिका अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर ही शतरंज ओलंपियाड में जीतने की शक्ति मिली। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद का मानना है कि शतरंज ओलंपियाड में भारत की ऐतिहासिक जीत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम इसकी हकदार थी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखेंगे।
आईफा पुरस्कार समारोह तीसरी बार अबू धाबी में हो रहा है। आज से शुरू हो रहा आयोजन 29 सितंबर तक चलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले आईफा अवार्ड शो में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स भी वहां पर पहुंच रहे हैं। दिग्गज फिल्म मेकर से एक यश चोपड़ा की आज 92वीं जयंती है। यश चोपड़ा ने डर, दिल तो पागल है और वीर जारा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। इस साल के प्रतिष्ठित एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स के 4 प्रोजेक्ट ने 14 नामांकन प्राप्त किए हैं। रोमांटिक कॉमेडी अमर प्रेम की प्रेम कहानी के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के लेखक और निर्देशक राज शांडिल्य पर स्क्रिप्ट चुराने का लगा आरोप। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। समंता रुद्र प्रभु की अपकमिंग सीरीज सिटाडेल हनी बनी प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर को होगी रिलीज। वेब सीरीज पंचायत का तमिल रिमेक थलाई वेटियन पलायम ने ओटीटी पर रिलीज होते ही धमाका कर दिया है। नए कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। और एक वीडियो में गायक अरिजीत सिंह को एक महिला प्रशंसक से माफी मांगते हुए देखा गया। गार्ड ने महिला फैन को धक्का दिया था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।